हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं बता करूँगी इजी दिवाली मेकअप। पहले मैंने अप्लाई किया, सबसे पहले मैंने टोनर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसे मैं अच्छे से अपने हाथों से मैं अपने फेस पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देन मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइजर क्रीम। एक तो मेरे पास सीरम है और एक मेरे पास क्रीम है, तो मैं क्रीम अप्लाई करूँगी। इसे मैंने फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अच्छे से मिक्स कर लिया। देन मैंने प्राइमर अप्लाई किया, उसको मैं अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से उसे मैं अच्छे से मिक्स कर ली, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया आईब्रो। आईब्रो मैंने फिल किया, मैंने अपना आईब्रो फिल किया, मैंने अपना अच्छी तरीके से मैंने अपना आईब्रो फिल मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना लेफ्ट वाला मैंने आईब्रो फिल किया, फिर मैंने स्पूली की हेल्प से उसे मैंने मर्ज किया, ये वाला भी मैंने मर्ज किया। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो मैं अपने लेफ्ट आइड पे अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं अपने लेफ्ट राइट पे, फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड किया। देखिए अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। देन मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा है। इसे अपनी फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। देन मैंने अप्लाई किया कॉन्टोर, बट मुझे कॉन्टोर की नीड तो नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं अप्लाई कर लेती हूँ, जहाँ मुझे ठीक लगा, बेटर लगा, वहाँ मैंने अप्लाई किया। अगर आपको नीड नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे मैंने अच्छे से मैंने ब्लेंड किया, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये पूरा का पूरा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। फिर देन मैंने क्रायलोन का, मेरे पास सुप्रा का बेस है, जिसे मैंने अपनी आईज़ पे अप्लाई किया बेस के लिए, फिंगर की हेल्प से मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर राइट हैंड साइड पे फिंगर की टिप की हेल्प से मैं उसे, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया। फिर ये मेरी आई शेडो पैलेट है, फिर मैंने उसमें से डार्क ब्राउन मैंने कलर अपनी आईज़ के ऊपर मैंने क्रीज लाइन जो होती है मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। देन मैंने उसे और ज़्यादा अच्छे से मैंने उसे ब्लेंड किया, थोड़ा और डार्क किया, फिर मैंने उसे अपनी राइट वाली आईज़ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, आप देख सकते हैं अच्छे से मिलाइए। फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए दूसरी ब्रश का मैंने हेल्प लिया। देन मैं अलग से उसको अलग से एक इन्हेंस करने के लिए मैं गोल्डन कलर का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, ब्राउन एंड गोल्डन, अच्छा है, बट मेरी साड़ी इस कलर की थी सो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। देन मैं इसे अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, एक आईज़ पे मेरी हो गया है, बट फिर भी मैं इसे दूसरी वाली आईज़ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आईलाइनर अप्लाई किया, एक आईज़ पे मेरी हो गया है, फिर मैं उसे दूसरी वाली आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, हो भी गया। फिर देन मैंने नीचे आईलाइनर अप्लाई किया, फिर मैंने उसे दूसरी वाली आईज़ पे अप्लाई किया। देन आप भी इसे अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसके अंदर काजल अप्लाई किया, क्योंकि थोड़ा भय भरा सा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इन्हेंस होके नज़र आता है। फिर मैंने ब्लशर अप्लाई किया, आप भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसे ब्लशर, मुझे ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आईब्रो के नीचे हाइलाइटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आईब्रो एकदम उभर के नज़र आती है। फिर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं अपने चिक्स के ऊपर, फिर ये मैं अपनी नोज़ की टिप पे, फिर मैं अपनी ये फॉरहेड पे, टी जोन एरिया है उन दोनों पे भी अप्लाई कर लेना है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद ये मेरी आईलाइशेस हैं,
देखिए मेरे पास बहुत सारा सेट है, तो अप्लाई भी हो गया ये। मैंने एक ही बार में ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, फिर मैंने देन मस्कारा अप्लाई किया, देन ये मेरी बिंदी रेड कलर की, आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है। फिर ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई की, देन मैंने साड़ी पहना था। ये दिवाली का इजी मेकअप लुक है जो आप भी कर सकते हैं। फिर ये मेरा मेकअप फिक्सर स्प्रे जिसकी हेल्प से आपका मेकअप एकदम लॉक हो जाएगा इजीली, ये ठीक हो गया है। फिर देन ये मेरा आफ्टर लुक देख सकते हैं आप, इसे आप भी ऐसा बना सकते हैं।